नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। कोविड-19 कोरोना वायरस, इसका कहर पूरे देश में आप देख रहे हैं। आज समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम सिवनी जिले के निवासियों से अपील करना चाहेंगे कि टोटल लॉकडाउन अगर प्रशासन ने किया है तो प्रशासन के द्वारा काफ़ी सोच समझ के टोटल लॉकडाउन को का निर्णय लिया गया है। टोटल लॉकडाउन का अर्थ आप घर पर ही रहें, घरों से ना निकलें, यहां तक कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों से भी बहुत दूरी बनाए रखें। कोविड-19 वायरस के बारे में ये कहा जाता है कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये फैलता है, इसलिए इस ये सिवनी में अभी तक इसका एक भी संक्रमित मरीज आज तक नहीं मिला है। 24 मार्च 2020 की सुबह तक सिवनी में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इसके बारे में, संक्रमित मरीज के मिलने के बारे में जिस तरीके की अफवाहें लोग फैला रहे हैं, उसे थामने की ज़रूरत है। प्रशासन को चाहिए कि वो लोगों को इस बात के बारे में बताएं कि टोटल लॉकडाउन क्यों किया गया है। किसी को डराने की ज़रूरत नहीं है, कोविड-19 से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो इसके संक्रमण फैलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। 21 मार्च से सिवनी में टोटल लॉकडाउन लागू किया गया था। 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लोग घरों में रहे, पर शाम को 5 बजे जब थाली बजाने वाली बात आई तो सड़कों पर लोग हुजूम की तरह निकले। इस तरह आपने अगर 8 घंटे 10 घंटे कोविड-19 के वायरस की चैन को तोड़ा तो उसके बाद उनके लिए, इस वायरस के लिए एक बार फिर उपजाऊ माहौल तैयार किया। आपको समझना होगा कोविड-19 से घबराने की ज़रूरत नहीं है, एहतियात बरतने की, सावधान नहीं बरतने की ज़रूरत है। टोटल लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च 2020 की रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। आप सभी से आग्रह है कि 24 और 25 मार्च को अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। पर इस बीच प्रशासन को भी एक बात देखनी होगी, लोगों के पास खाने के लिए सामग्री है अथवा नहीं, सब्जी भाजी है अथवा नहीं, इस बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत प्रशासन को, क्योंकि प्रशासन पालक की भूमिका में होता है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी देवेश बाथम की सराहना करनी होगी कि उनके द्वारा टोटल लॉकडाउन होने के बाद अपने परिवार के साथ पूरी सावधानी बरतते हुए मुंह में मास्क लगा के और हाथ में दस्ताने पहन के, ग्लव्स पहन के, उनके द्वारा मानसिक विक्षिप्तों, जो लोग किसी कारणवश बस स्टैंड में रुक गए थे उनको, जिनके पास घर नहीं है उनको, गरीबों को, उनके द्वारा भोजन वितरित किया गया। देवेश बाथम के द्वारा अनुकरणीय पहल की गई। हमारे यहाँ समाज सेवी बहुत सारे हैं, समाज सेवियों की कमी नहीं है। समाज सेवियों को चाहिए कि वो प्रशासन को इस बारे में अवगत कराएं कि उनके द्वारा इस तरीके की लोगों की मदद की जानी, वे स्वयं ना निकलें, उन्हें निकलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, प्रशासन को वो बताएं, प्रशासन को ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराएं। प्रशासन अपने स्तर पर अपनी सुविधाओं के साथ अपने कर्मचारियों के जरिए मानसिक विक्षिप्त, गरीब, बेघर लोग और ज़रूरतमंद, उनके पास तक सुबह और शाम भोजन और पानी कम से कम भिजवाएं। एक बार पुनः हम आपसे अपील करेंगे कि
खुद ना निकलें, प्रशासन को अवगत कराएं। प्रशासन को भी चाहिए कि इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाए, इसके लिए एक फोन नंबर जारी किया जाए, जिस पर लोग क्या मदद करना चाहते हैं, कैसी मदद करना चाहते हैं, जो मदद करना चाहे उससे मदद लेके जिस तरीके से महाराष्ट्र, पंजाब या अन्य दिल्ली, अन्य प्रदेशों में जो स्थितियाँ बन रही हैं, उन स्थितियों को देखकर इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोग टोटल लॉकडाउन की अवधि को और बढ़ा दिया जाए। वैसे अभी तक तो 25 मार्च 2020 की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन की घोषणा प्रशासन के द्वारा की गई है, पर अगर इसकी अवधि बढ़ती है तो उसके बाद प्रशासन को ठोस कार्य योजना बनानी होगी। जिस तरह कचरा गाड़ी घर घर जाकर कचरा एकत्र करती, अगर उसी तरह सब्जी भाजी के ठेले वालों को अनुमति दे दी जाए कि गली गली घूमकर सब्जी बेचें, तो ये भी एक, इस पर प्रशासन विचार जरूर करे। आज 23 मार्च को दोपहर में जब 12 बजे टोटल लॉकडाउन में कुछ समय के लिए छूट दी गई, तो आपने देखा कि बाजार में भीड़ उमड़ पड़ी। मूल भावना सिर्फ टोटल लॉकडाउन की इतनी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय आइसोलेटेड रहें, अपने घरों में कैद रहें, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, ताकि इसका वायरस फैल ना सके। इसके लिए हमारा सुझाव है कि आज जैसे, माफ़ कीजिएगा, 23 मार्च को 12 से 2 बजे की अवधि तक आपने टोटल लॉकडाउन में छूट दी गई थी। अगर कोई आदमी घर से निकलता है तो वो 2 बजे के बाद घर पहुंचते पहुंचते 3 बजा देता है, इसलिए टोटल लॉकडाउन में अगर आपको छूट देनी है तो 12 से 1 एक घंटा और 4 से 5 एक घंटा, दो बार आप छूट दीजिए। और हमारा तो सुझाव ये है कि आप, प्रशासन चाहे तो किराना दुकानें, जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको पूरा दिन खुला रखे। जिस तरह से हर एक व्यक्ति की अपनी किराना दुकान निर्धारित है, लगभग 70-80% लोग अपना किराना एक दुकान विशेष से ही लेते हैं, उस दुकान विशेष का नंबर उनके पास होता है, और जैसा अमूमन होता है कि फ़ोन कर दिया जाता है, लिस्ट दे दी जाती है, या किराना दुकानों की लिस्ट होती है, उसमें चीज़ें टिक करके सामग्री कितनी चाहिए वो लिख दी जाती हैं। इस तरह से व्हाट्सअप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जिसका उपयोग अभी किया जा सकता है। उसके जरिए दुकानदार तक वो सूची पहुंच जाए, दुकानदार उस पे बिल बनाकर उस सामग्री को अपने किसी कर्मचारी के जरिए घर तक छुड़वा दे। इससे लोग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क में आने से बचेंगे। प्रशासन इसका इस पे विचार करके इसको लागू करवा सकता है। जैसा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा लगातार सिवनी के अपडेट्स दिए जा रहे हैं, सिवनी के वीडियोस दिए जा रहे हैं, आप अगर अपने घर में बैठे हुए हैं और अखबार या माफ कीजिएगा मोबाइल पे अगर आपको अपडेट्स मिल रहे हैं, तो कोरोना वायरस के फैलने की संभावनाएं, संक्रमण की संभावनाएं कम हो जाती हैं। दैनिक हिंद गजट के द्वारा 20 मार्च को ये निर्णय ले लिया गया था कि 25 मार्च तक कुछ संभावनाएं ऐसी दिख रही थी, 20 मार्च को ही दैनिक हिंद गजट के द्वारा ये खबर भी प्रकाशित की गई थी कि सिवनी में भी लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है। अंततः 21 तारीख को लॉकडाउन किया गया। इसी तरह हिंद गजट ने अपना प्रकाशन स्थगित रखने का निर्णय लिया 25 तारीख तक। उसके पीछे भी यही वजह है कि पाठकों के स्वास्थ्य की चिंता हिंद गजट प्रबंधन करता है। आज जो जरूरी खबरें हैं, अपडेट्स हैं, वो आपको मोबाइल के जरिए मिल रहे हैं। लगभग 10 साल से मोबाइल के जरिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया द्वारा सिवनी, देश विदेश सारी खबरें आपको दी जाती हैं। इसका अब इसकी उपयोगिता समझ में आ रही है। इसी तरह अगर किराना दुकानों में भीड़ ना लग पाए, इसके लिए उपाय किए जाएं। लोग जिसे जो भी चाहिए वो किराना दुकान में अपनी ज़रूरत की लिस्ट भेज दे, वहाँ से किराना दुकान का कर्मचारी आपके घर सामग्री छोड़ देगा। अगर प्रशासन ऐसा करता तो लगभग ये माना जा सकता है कि 80% परिवारों के लोग घर से नहीं निकलेंगे। प्रशासन को इसी बीच ये भी देखना पड़ेगा कि टोटल लॉकडाउन में जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, उनके पास खाने पीने की सामग्री है अथवा नहीं। इस सब के लिए प्रशासन से आग्रह है कि एक बार शहर के जिम्मेदार लोगों से सलाह मशवरा करके और कोई निर्णय लें।
हमारा सुझाव है, प्रशासन को समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का सुझाव है, साथ ही सिवनी के हर नागरिक से अपील है कि 25 मार्च 2020 की रात 12 बजे तक अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। अगर आप घर से नहीं निकलेंगे तो ये आपके अपने स्वास्थ्य, सिवनी जिले के हर नागरिक के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतरीन अनुकरणीय कदम होगा। सिर्फ अत्यावश्यक सेवा वाले ही लोग बाहर निकलें। पत्रकारों के लिए भी, सरकारी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा जो सेवाओं में लगे हुए हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अभी तक एडवाइजरी जारी नहीं किया जाना भी सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा आश्चर्य का विषय है। जिला प्रशासन को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए कि मीडिया को कवरेज के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, अत्यावश्यक सेवा में लगे लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक बार फिर सिवनी के हर नागरिक से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की अपील है कि कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित 25 मार्च 2020 की रात 12 बजे तक अपने घरों पर रहें, टोटल लॉकडाउन का पूरा सम्मान करें। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर अपने घर पर रहते हैं तो टोटल लॉकडाउन की अवधि हो सकता है बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, पर जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पुलिस को सख्ती करनी पड़ रही है, ऐसी नौबत ना आ पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।